मजबूर और बेईमान सरकारों को सामान्य मानवी की चिंता नहीं होती, वो हर चीज में अपना ही हित ढूंढते हैं। ये बाढ़ जैसी भीषण त्रासदी, उस पर भी अपनी कमाई ढूंढते हैं, मुआवजे में भी घोटाला करते हैं, यही इनकी सोच है। कांग्रेस की, सपा बसपा की इसी सोच का परिणाम आज ये पूरा क्षेत्र भुगत रहा है। लेकिन आपका ये चौकीदार, आपका ये चौकीदार हर समस्या को हल करने में जुटा हुआ है। साथियों, आपकी चीनी मिलों के साथ इन्होंने क्या खेल किया ये भी यहां का बच्चा बच्चा जानता है। बसपा की सरकार आती थी, चीने में मिले बेच करके, ये चीनी मिले बेच करके चली जाती थी। जांच के नाम पर सपा की सरकार आती थी और फिर 5 साल के लिए सो जाती थी। बुआ और बबुआ की दुकान पर ताला लग गया तो इस बार नया काउंटर खोल दिया, महामिलावट का काउंटर। मुझे पता है कि आप ये काउंटर भी इस चुनाव में ताला मारने वाले हैं। आप आश्वस्त रहिए, गरीब को लूटने वालों से ये चौकीदार पाई पाई वसूल करके रहेगा। भाइयों और बहनों, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाना यह हमारा लक्ष्य है। ग्रामोदय से भारत उदय की अवधारणा पर हमने काम किया है।